नमस्ते, मैं विष्णु, आप सभी का टेकमेट एजुकेशन चैनल में स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो सेशन में हम वर्नियर कैलीपर के बारे में सीखेंगे, जैसे कैसे रीडिंग लेना है, कैसे मेजरमेंट में एरर आ सकती है और इंटरव्यू में महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों। वर्नियर कैलीपर में रीडिंग लेने से पहले हम उनके सभी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, वर्नियर कैलीपर में इनर जॉ होता है, जिसका प्रयोग इंटरनल डायामीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलीपर में आउटर जॉ भी होता है, जिसका प्रयोग आउटर डायामीटर को चेक करने के लिए अथवा किसी भी पार्ट की थिकनेस को भी चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलीपर में एक डेप्थ रॉड भी दी गई होती है, जिसका प्रयोग किसी भी होल की डेप्थ को यानी गहराई को चेक करने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलीपर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल होती है। मेन स्केल 1 mm के डिवीज़न अथवा 1 cm के डिवीज़न में दी गई होती है। वर्नियर स्केल जो कि मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है और हमें दशमलव के बाद 2 स्थान तक रीडिंग लेने में हमारी काफ़ी मदद करती है। फ्रेंड्स, अब हम वर्नियर कैलीपर के लिस्ट काउंट के बारे में सीखते हैं। लिस्ट काउंट के बारे में जानने से पहले हम लिस्ट काउंट की डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। लिस्ट काउंट की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितनी माप ले सकता है वह उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। लिस्ट काउंट की डेफिनेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा सेम होती है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर सामान्यतः 2 प्रकार के वर्नियर कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। एक मैनुअल वर्नियर कैलीपर, दूसरा डिजिटल वर्नियर कैलीपर का यूज किया जाता है। मैनुअल वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है अथवा 20 माइक्रोन भी कहा जाता है। लिस्ट काउंट का अर्थ है कि वर्नियर कैलीपर, मैनुअल वर्नियर कैलीपर कम से कम 0.02 mm को चेक कर सकता है। फ्रेंड्स, डिजिटल वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है अथवा 10 माइक्रोन भी कहा जाता है। अर्थात हम डिजिटल वर्नियर कैलीपर के द्वारा 0.01 mm तक के रीडिंग को सामान्यतः सरल तरीके से या आसानी तरीके से मेज़रमेंट कर सकते हैं। मेज़रमेंट एरर्स। नंबर 1, अगर हम इंस्ट्रूमेंट में अधिक प्रेशर लगाकर चेक करते हैं तब भी हमारे रीडिंग में एरर आ सकती है। नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट को चेक करते समय उसे साफ सुथरा कर ही चेक करें। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट को चेक करने से पहले सदैव उसे 0 सेट करें। नंबर 4, कभी भी इंस्ट्रूमेंट को गलत सरफेस यानी सही जहां पे बताया गया हो पार्ट को वहीं पे चेक करना चाहिए। नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट को कभी पार्ट से टेपर स्थिति में नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। नंबर 6, इंस्ट्रूमेंट को सदैव या चेक करने से पहले या सुनिश्चित कर लें कि उसमें कैलिब्रेशन स्टिकर लगा होना चाहिए। नंबर 7, इंस्ट्रूमेंट को चेक करने से पहले या सुनिश्चित करें कि इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में एरर आने के लिए अगर आप स्केल नहीं पढ़ पाते हो तब भी एरर आ सकती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से पढ़ें। फ्रेंड्स, अब हम वर्नियर कैलीपर से रीडिंग लेना सीखते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट को चेक करने से पहले पार्ट को और इंस्ट्रूमेंट को जा को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग लेने में आसानी हो। पार्ट को चेक करने से पहले उसे
वर्नियर कैलीपर के जाम में अच्छे तरीके से सेट करें। अब जब यह आप सुनिश्चित कर लें कि पार्ट अच्छी तरीके से सेट हो गया हो, तब उसे लॉकिंग स्क्रू से टाइट कर दें और रीडिंग लेने के लिए देखें। जैसा कि हमने रीडिंग ले लिया है और हम यह देख रहे हैं कि रीडिंग कितनी होनी चाहिए, जो हम ये देखते हैं दोस्तों वर्नियर स्केल का 0 जो कि 34 और 35 के मेन स्केल के डिवीजन के बीच में लाइज कर रहा है। इससे हम यह कह सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग 34 से ज़्यादा है लेकिन 35 से कम है, अर्थात मेन स्केल रीडिंग 34 है। अब हम वर्नियर स्केल से दशमलव के बाद 2 स्थान तक की रीडिंग को चेक करते हैं। इसके लिए हम यह देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है वर्नियर स्केल के 9वें डिजिट के बाद पहला डिवीज़न मैच कर रहा है 80 की लाइन से, अर्थात हमारा वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो 9+0.02 यानी 1 डिवीज़न की वैल्यू है, अर्थात वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारी 0.92 होगी। इस तरह पूरी रीडिंग हमारी वर्नियर कैलीपर की 34.92 mm हो जाएगी। दोस्तों अगर फ्रेंड्स इसी तरह हम वर्नियर कैलीपर के द्वारा किसी भी पार्ट के इंटरनल डाया को भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था वर्नियर कैलीपर में डेप्थ रॉड भी होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी पार्ट की डेप्थ को भी चेक कर सकते हैं और रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कुछ मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। जैसा कि सबसे पहले यही पूछा जाता है कि वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि वर्नियर कैलीपर जनरली 2 प्रकार के होते हैं, डिजिटल और मैनुअल। डिजिटल वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है और मैनुअल वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे बता पूछा गया है कि इसमें कौन सी रीडिंग है जो हम वर्नियर कैलीपर से चेक कर सकते हैं, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच जिसमें एफ तक की रीडिंग हमें दी गई है। जैसा दोस्तों कि हमें पता है कि वर्नियर कैलीपर के द्वारा हम बी और डी और एफ की रीडिंग के मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। दोस्तों अगर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर हमें कोई सम संख्या दी गई होती है तब हम उसे वर्नियर कैलीपर से चेक कर सकते हैं। अगर कोई सम संख्या नहीं है अर्थात विषम संख्या है वह दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर, तो उसे हम मैनुअल वर्नियर कैलीपर के द्वारा चेक नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम डिजिटल वर्नियर कैलीपर के द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दर्शाया गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी रीडिंग है जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है डी। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि वर्नियर कैलीपर दशमलव के बाद 2 ही स्थान तक चेक कर सकता है, जबकि बाकी सारी रीडिंग्स इसमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक दर्शाई गई हैं। अगर सामान्यतः देखा जाए तो इसे हम मैनुअल माइक्रोमीटर से भी नहीं चेक कर सकते, केवल और केवल इन्हें डिजिटल माइक्रोमीटर से ही चेक कर सकते हैं बाकी सभी को।